नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या भारत के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारत के कृषि व्यवस्था को बताया है, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी फसल का पैदावार सर्वाधिक होता है उसको बहुत ही अच्छे तरह से बताया है, और रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल को बताया गया है इस वीडियो में, और हरित क्रांति की जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिए, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। तो आइए वीडियो पर नज़र डालते हैं। भारतीय फसल को तीन भागों में बांटा गया है, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल और एक जायद फसल। तो दोस्तों, जो रबी फसल है उसको अक्टूबर नवंबर महीना में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई की जाती है। तो प्रमुख रबी फसल में है गेहूं, जौ, राई, मटर, चना, मक्का, अलसी, मसूर, ये सब रबी फसल है। और दोस्तों, खरीफ फसल जो है ये जून जुलाई महीना में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। तो प्रमुख खरीफ फसल जो है चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, मूंगफली, चना, सोयाबीन, उड़द, कुलथी, जूट, कपास, ये सब खरीफ फसल हैं। और दोस्तों, जायद फसल उनको कहा जाता है जो रबी और खरीफ फसल के मध्य में बोई जाती है, ये लगभग मार्च अप्रैल महीना में बोई जाते हैं। और जायद फसलों में गर्मी को सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से जायद फसल हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद फसलें हैं। और दोस्तों, ये हो गया हमारे तीनों फसल, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, रबी फसल में कौन कौन से फसल हैं और खरीफ फसल में कौन कौन से फसल हैं करके, और जायद फसल में तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब आती हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा फसल। अब एक नज़र डालते हैं हरित क्रांति पर। दोस्तों, हरित क्रांति का शुरुआत लगभग 1960 से 70 के बीच में हुआ, और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है 1966-67 में माना जाता है। और हरित क्रांति के प्रणेता जो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग हैं पूरे विश्व में, और भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के शुरुआत करते हैं, और भारत में हरित क्रांति का जनक भी एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और उस समय के तत्कालीन स्थिति में कृषि एवं खाद्य मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, और इन्हीं को, बाबू जगजीवन राम को ही हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। भारत में 70% लोग कृषि कार्य करते हैं। भारत में 70% लोग कृषि कार्य करते हुए हैं, और नेक्स्ट है हमारा कुल भूमि का 50% भाग कृषि में उपयोग होता है। टोटल भूमि जो है भारत का, उसमें का आधा भाग कृषि कार्य में उपयोग होता है और बाकी 50% अन्य कार्यों में उपयोग होता है। और नेक्स्ट है टोटल भारत की जनसंख्या का 51% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, बाकी 49% अन्य कार्य करती है। कृषि जो है समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची में कृषि को शामिल किया जाता है। और भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, इम्पोर्टेंट है ये। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख, ये भारत के प्रथम कृषि मंत्री, और ये है स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख। और देख लेते हैं, 16 जुलाई 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय जो है कृषि भवन नई दिल्ली में है, ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और ICAR के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जो केंद्र के कृषि मंत्री होते हैं वो ICAR के प्रेसिडेंट होते हैं।
और अगर वर्तमान में अभी वर्तमान में है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ICR के प्रेसिडेंट हैं अभी। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली जो है कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की कृषि विश्वविद्यालय है और इसका स्थापना 16 नवंबर 1960 को किया गया था। अब उस समय नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, अब बाद में उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना, तो ये उत्तराखंड में हो गया, जो वर्तमान में यूपी के प्रथम CM के नाम से चेंज कर दिया गया है उसको, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। आइए दोस्तों देखते हैं भारत के प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों को, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग से ही स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उत्पादन सेब का किया जाता है, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये लद्दाख से अलग होके अभी जम्मू कश्मीर से अलग ये लद्दाख है और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है सेब, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर में सेब उत्पादन किया जाता है। सेब सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है, यह है जम्मू कश्मीर, महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। अब नेक्स्ट आते हैं गेहूं प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज्यादा उत्पादन पंजाब में होता है, हेक्टेयर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और नेक्स्ट हमारा है राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में होता है सरसों बाजरा कुल मोटे अनाज और सरसों बाजरा का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, चार ऑप्शन दे देगा उसमें का राजस्थान सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं गुजरात में, गुजरात सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है, महात्मा गांधी की जन्मस्थली, तो गुजरात में सबसे ज्यादा होता है कपास मूंगफली और कुल मसाला, टोटल मसाला की बात किया जाए तो उसका पैदावार सबसे ज्यादा गुजरात में होता है टोटल मसाला का, और उसमें का जैसे इलायची लौंग ये सब केरल में ज्यादा उत्पादन किया जाता है, लेकिन कुल मसाला गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा शक्कर प्याज संतरा अंगूर मिर्ची, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में शक्कर प्याज संतरा अंगूर लीची, हम लोग फल दुकान में देखते हैं संतरा महाराष्ट्र से आया है बोलते रहते हैं, संतरा अंगूर जब महाराष्ट्र से संतरा पहुंचता है तो हमारे तरफ उसका रेट में कमी आती है। और नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गेहूं गन्ना कुल खाद्यान्न मक्का आम जौ दूध आलू, इन सब का पैदावार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये गेहूं का सबसे ज्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में होता है, अगर मात्रा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन पंजाब में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमारा है जूट चावल और सब्जी, पश्चिम बंगाल में जूट चावल सब्जी का खेती सबसे ज्यादा किया जाता है, ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। और बिहार, बिहार में है लीची, बिहार में लीची की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। और नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड में है लाख का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, लाख झारखंड में लाख सबसे ज्यादा होता है। और चाय की खेती असम में सबसे ज्यादा होती है, असम चाय के लिए फेमस है। और अदरक मेघालय में सबसे ज्यादा होता है, मेघालय में अदरक। अब नेक्स्ट आते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में रेशम का उत्पादन ज्यादा होता है और कहवा काफी का उत्पादन कर्नाटक में, ये हो गया हमारा कर्नाटक।
और केरल, केरल में आते हैं, केरल में काजू, रबर, इलायची, काली मिर्च, नारियल और मसाला राज्य केरल को बोला जाता है। ये हो गया केरल। केरल में काजू, रबर, इलायची, काली मिर्च, नारियल, नारियल के लिए फेमस है केरल, और मसाला राज्य बोला जाता है केरल को। अब नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु साउथ इंडिया, चेन्नई एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केला, गन्ना प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन केला, तमिलनाडु में केला और गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है तमिलनाडु। साउथ इंडियन पिक्चर में केला बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। और नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू और हल्दी का उत्पादन ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू, ये भी इम्पोर्टेंट है, और हल्दी। अब आते हैं सोयाबीन, दलहन, तिलहन। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है दलहन, तिलहन और सोयाबीन का। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन, तिलहन का। तो ये थे भारत के प्रमुख फसल उत्पादक राज्य, महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दोस्तों हरित क्रांति एवं अन्य क्रांति को। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय कृषि अंग्रेजी शासन का शिकार बनकर रह गया था और इसका परिणाम आप सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं। परंतु भारत की आजादी के बाद कृषि में लगभग 1960 के दशक के मध्य पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम था। किसान गोबर खाद आदि का प्रयोग करते थे और सिंचाई भी बहुत कम किया जाता था। परंतु 1965 के बाद उच्च उपज बीज HYV हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग प्रारंभ किया गया। रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग ज़्यादा किया गया और सिंचाई की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ने लगी। इसके साथ ही गेहूं, चावल के उत्पादन में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई, जिसके कारण इसे हरित क्रांति नाम दिया गया। तो दोस्तों हरित क्रांति, ये हो गया हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति से तात्पर्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि। खाद्यान्न उत्पादन में बहुत तीव्र वृद्धि हुई, उसी को ही हरित क्रांति कहा गया। और इसमें का प्रमुख फसल है हमारा गेहूं और चावल में इसको देखने को मिला। अन्य दलहन तिलहन में इसका प्रभाव नहीं दिखा। पंजाब एवं हरियाणा में बहुत तेजी से गेहूं एवं चावल का उत्पादन हुआ। अब देखते हैं हरित क्रांति का नामकरण किया विलियम गॉड ने, विलियम गॉड। और हरित क्रांति के प्रणेता जो है नॉर्मन ई बोरलॉग, ये मेक्सिको के वैज्ञानिक है। और भारत में इसका प्रारंभ हुआ 1960-70 के दशक में, 1966-67 में, ये इंपॉर्टेंट है, सन को पूछ देता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। HYVS हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, आधुनिक बीजों का प्रयोग किया गया HYVS। और नेक्स्ट है द्वितीय हरित क्रांति के जनक APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। दूसरा हरित क्रांति का जनक APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। और द्वितीय हरित क्रांति का स्लोगन है मृदा से विपणन तक, 2006 में ये द्वितीय हरित क्रांति का स्लोगन था। और नेक्स्ट है सदाबहार हरित क्रांति, और इसके जनक है MS स्वामीनाथन। इसका स्लोगन था लैब टू लैंड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया था। अब नेक्स्ट हमारा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन जी हैं, वर्गीस कुरियन। और 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब देख लेते हैं हरित क्रांति के साथ साथ अन्य क्या क्या क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। दोस्तों इसको आप, पानी का रंग नीला होता है और नीला में, नीली पानी में मछली का उत्पादन किया जाता है। समुद्र का रंग भी नीला होता है, तो मछली उत्पादन, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध जो है तेल उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। पीली
पीला सरसों पीला होता है सरसों का तेल। और नेक्स्ट हमारा गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन से। झींगा भी प्याज, प्याज तो गुलाबी कलर का होता ही है, झींगा भी गुलाबी गुलाबी कलर का होते हैं, इसलिए उसको गुलाबी क्रांति के अंतर्गत लिया जाता है। और कृष्ण क्रांति या काली क्रांति, इसका संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है। पेट्रोलियम दोस्तों गाढ़ा काला पदार्थ होता है, बाद में उसको फिर संशोधित करके पेट्रोल डीजल आदि निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट है धूसर क्रांति, धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन, उर्वरक धूसर कलर का होता है। और नेक्स्ट है बादामी क्रांति, इसका संबंध है मसाला उत्पादन से, बादामी कलर का मसाला उत्पादन। और लाल क्रांति है टमाटर या मांस उत्पादन, अगर ऑप्शन में टमाटर मिल गया तो टमाटर लेना है, या मांस रहा तो मांस उत्पादन को लेना है। एक ही ऑप्शन में, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक या तो टमाटर रहेगा या मांस रहेगा। और नेक्स्ट है गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, आलू गोल गोल होता है। और स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए, बागवानी हेतु स्वर्ण क्रांति। और नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति, यह जो है सभी प्रकार की कृषि से संबंधित है, इंद्रधनुषी क्रांति। नेक्स्ट हमारा गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों जूट का कलर भी गोल्डन होता है, स्वर्ण जैसा सोने के रेशे बोला जाता है, ये जूट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा सिल्वर फाइबर, रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध जो है कपास उत्पादन से, कपास के धागे सिल्वर के समान चमकते रहते हैं और जूट के धागे गोल्डन के समान चमकते हैं। और नेक्स्ट हमारा अमृत क्रांति, ये दोस्तों एक अलग प्रकार का क्रांति है, नदी जोड़ो परियोजना है ये, अमृत क्रांति के अंतर्गत नदियों को जोड़ा जाता है, तो ये कृषि से हटके है ये अमृत क्रांति, इसलिए इसको पूछ देता है अमृत क्रांति का संबंध किस से है करके, तो इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, व्यापारिक स्तर पर बहुत ज्यादा अंगूर की खेती जहां पर की जाती है उसको विटीकल्चर बोला जाता है, अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का संबंध है मछली उत्पादन से पीसी कल्चर। और नेक्स्ट हमारा सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। और चौथा है वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट खाद केंचुआ खाद को बोला जाता है, तो वर्मी कल्चर का संबंध केंचुआ उत्पादन से है। इसको भी पूछ देता है, इम्पोर्टेंट है ये सब। अब नेक्स्ट है एपीकल्चर, एपीकल्चर का संबंध है शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट है मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का संरक्षण एवं उत्पादन किया जाता है, मेरी कल्चर जहाँ समुद्री जीवों का उत्पादन एवं संरक्षण किया जाता है मेरी कल्चर कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा हार्सी कल्चर, हार्स घोड़े को बोला जाता है, तो हार्सी कल्चर का संबंध जो है घोड़ों या खच्चरों के उन्नत किस्म के उत्पादन से संबंधित है, घोड़ों और खच्चरों के नस्ल का विकास किया जाता है हार्सी कल्चर में। नेक्स्ट हमारा ओलिवी कल्चर, ओलिव जैतून को बोला जाता है, ओलिव ऑयल जैतून का तेल, तो ओलिवी कल्चर का संबंध जो है जैतून उत्पादन से है। और नेक्स्ट हमारा आर्बरी कल्चर में जो है विशेष पौधों का उत्पादन किया जाता है, उनका विकास किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, विशेष पौधे जो विलुप्त प्राय होते जाते हैं उनका उत्पादन और संरक्षण किया जाता है, आर्बरी कल्चर कहलाता है, महत्वपूर्ण है ये। और नेक्स्ट है फ्लोरी कल्चर, फूलों का उत्पादन किया जाता है फ्लोरी कल्चर कहलाता है, फूलों का उत्पादन फ्लोरी कल्चर। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर, जमीन पर बिखरे सब्जी उत्पादन से संबंधित है ये ओलेरी कल्चर। और नेक्स्ट है एरोपोनिक, एयर मतलब हवा, इसको ट्रिक के माध्यम से एयर मतलब हवा, एरोपोनिक का संबंध है हवा में पौधे उगाना। दोस्तों आजकल के आधुनिक युग में हवा में भी पौधों को उगाया जाता है, उसको एरोपोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोपोनिक,
हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो से ही स्पष्ट है, हाइड्रिला पानी में रहता है, तो जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक कहलाता है, जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक। अगला है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का संबंध है फल उगाने से, फल उगाने को पोमोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर का संबंध है बागवानी, हार्टिकल्चर। और नेक्स्ट है लास्ट हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का संबंध जो है कृषि से है, एग्रीकल्चर कृषि को बोला जाता है। तो ये विशेष प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं थी। भारत के प्रमुख फसलों को देख लेते हैं, रवि फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। अब सबसे पहला है हमारा खरीफ फसल। खरीफ फसल का बुआई जो है दोस्तों जून जुलाई में उसका बुआई किया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। तो प्रमुख खरीफ फसल जो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, कपास, जूट, तिल, उड़द आदि, ये प्रमुख खरीफ फसल है। परीक्षा में इसको पूछ देता है कि खरीफ फसलों के नाम को बताओ करके। अब नेक्स्ट हमारा है रबी फसल। रबी फसल का दोस्तों जो है अक्टूबर नवंबर माह में इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो ये प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, मक्का, अलसी, मसूर, राई, जई, तोरिया आदि, ये प्रमुख रबी फसल है। इनको ठंड के महीने में बोया जाता है और गर्मी में इसको काटा जाता है। और नेक्स्ट हमारा जायद फसल। जायद फसल दोस्तों रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है, मार्च अप्रैल महीना में बोई जाती है, और यह रबी एवं खरीफ फसल के मध्य में बोया जाता है। और प्रमुख जायद फसल है सब्जी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज इत्यादि। और ये जो जायद फसल है गर्मी को सहन करने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज ये प्रायः गर्मियों में इसका पैदावार किया जाता है। ICAR भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा भारत के कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से औद्योगिक संस्थान का स्थापना किया गया है उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में है, यह है हमारा उत्तराखंड। यह है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में है हमारा स्वामी विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान पर है स्वामी विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान, महत्वपूर्ण है ये। और नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। पंतनगर भी उत्तराखंड में है। यहाँ पर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पहले उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के नाम से था, उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड अलग होने के बाद ये उत्तराखंड के पंतनगर में आ गया है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में है, यह भी महत्वपूर्ण है, देहरादून उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में हमारा फेमस तीन चीज है, पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, और पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, और मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून, ये तीनों उत्तराखंड में है। एक, दो, तीन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यह हमारा उत्तराखंड है, इसको ऐसे लाइन खींच सकते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। यह हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। यह हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बरेली नामक स्थान पर, ये वही बरेली है जहां झुमका गिरा था, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, इसी के बाजार में झुमका गिरा था, पता नहीं किसका गिरा था, जो यही बरेली में है नेशनल वेटनरी रिसर्च सेंटर। उत्तर प्रदेश के बरेली में नेशनल वेटनरी रिसर्च सेंटर है, ये हो गया यूपी। और लखनऊ, लखनऊ भी प्रसिद्ध है, नवाबों का शहर है, यहाँ पर है गन्ना अनुसंधान संस्थान, नवाब लोग गन्ना बहुत खाते थे,
गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी सब्जी अनुसंधान संस्थान, और कानपुर, कानपुर में है दाल और चीनी अनुसंधान संस्थान। दाल और चीनी अलग अलग है दोस्तों, ये दाल और चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, तो चीनी का भी फैक्ट्री यहाँ ज़्यादा है, तो चीनी और दाल का अनुसंधान संस्थान कानपुर। मेरठ में है केटल रिसर्च सेंटर, मेरठ में केटल रिसर्च सेंटर। और नेक्स्ट है झांसी, झांसी में है कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है मथुरा, मथुरा के मखदूम नामक स्थान पर है बकरी अनुसंधान संस्थान, ये भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ये। बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में, मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है और वहाँ का बकरी अनुसंधान संस्थान भी प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख रिसर्च सेंटर, बरेली वेटनरी रिसर्च सेंटर, लखनऊ गन्ना अनुसंधान संस्थान, वाराणसी सब्जी अनुसंधान संस्थान, कानपुर दाल और चीनी अनुसंधान संस्थान, मेरठ में है केटल रिसर्च सेंटर, और झांसी में है कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, और मथुरा के मखदूम नामक स्थान पर है बकरी अनुसंधान संस्थान। ये हो गया उत्तर प्रदेश। अब बिहार, ये हो गया हमारा बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर में है लीची अनुसंधान संस्थान। दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया गया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन किया जाता है, लीची में सबसे ज़्यादा बिहार में लीची ज़्यादा पैदावार होता है। मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट हमारा है रांची, रांची दोस्तों झारखंड में है, झारखंड की राजधानी ये है हमारा झारखंड, झारखंड का राजधानी रांची, रांची में है राष्ट्रीय लाख अनुसंधान संस्थान, और यहाँ सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है झारखंड में, तो इसीलिए यहीं रांची पर लाख अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा, उड़ीसा दोस्तों ये है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और भुवनेश्वर में है भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर। और नेक्स्ट है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सेंटर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर समुद्र के तट में है इसलिए एक्वाकल्चर सेंटर भी भुवनेश्वर में ही बनाया गया है। यह है दोस्तों हो गया उड़ीसा का भुवनेश्वर। अब नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश, यह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के राज मुंदरी नामक जगह पर है तंबाकू अनुसंधान संस्थान। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तंबाकू अनुसंधान संस्थान यहां पर राजमुंदरी में स्थापित किया गया है। दोस्तों जहां पे जिस फसल का पैदावार सबसे ज्यादा होता है वहीं वहीं जगह में लगभग अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं, तो वीडियो से रिलेटेड करके पढ़ेंगे ना तो अच्छे से याद रहेगा। अब नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु, यह है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु के चेन्नई में है खारे पानी जलीय जीव अनुसंधान संस्थान, ये समुद्र के किनारे है इसीलिए खारे पानी जलीय जीव अनुसंधान संस्थान चेन्नई। और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक जगह पर है केला अनुसंधान संस्थान, केला भी सबसे ज़्यादा यहीं होता है, तो केला अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर तिरुचिरापल्ली पर है। और नेक्स्ट है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में है गन्ना प्रजाति अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये सब तमिलनाडु में है। और ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में है सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है इसलिए यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में है राष्ट्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है,
कृषि अभियांत्रिकी और राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में है आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी। शिमला के कुफरी नामक जगह पर आलू अनुसंधान संस्थान है और मशरूम सिटी सोलन को बोला जाता है। यह हिमाचल प्रदेश। अब हरियाणा में आते हैं दोस्तों। हरियाणा, ये हो गया हमारा हरियाणा और ये पंजाब है। तो हरियाणा में है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल। करनाल बहुत ही फेमस है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल। और गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। करनाल में दूध वाला भी है और गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हिसार नामक जगह पर। और यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में। तो हरियाणा बहुत ही फेमस है पशुओं के लिए। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में। ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान के सेवर, राजस्थान के सेवर नामक जगह पर है सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर राजस्थान। और राजस्थान में है ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर, बीकानेर में है ऊंट अनुसंधान संस्थान। और भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर। अगला है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान अजमेर। और बंजर भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ये इंपॉर्टेंट पांचों चीज राजस्थान में है, महत्वपूर्ण है ये। और नेक्स्ट हमारा गुजरात। गुजरात के जूनागढ़ में है मूंगफली अनुसंधान संस्थान और आनंद राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थापित किया गया है, अमूल दूध, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये हो गया गुजरात में जूनागढ़, मूंगफली अनुसंधान संस्थान और दुग्ध अनुसंधान संस्थान गुजरात। ये है गुजरात। ये दोस्तों हमारा गुजरात। और गोवा में है तटीय जलीय जीव अनुसंधान संस्थान गोवा। ये हो गया हमारा गोवा, ये गोवा। और बेंगलुरु में है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक। कर्नाटक में है बेंगलुरु राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। और नेक्स्ट है केरल। ये है हमारा केरल। केरल में है त्रिवेंद्रम में रबर अनुसंधान संस्थान और कोच्ची में है समुद्री जलीय अनुसंधान संस्थान। और कालीकट में है मसाला अनुसंधान संस्थान। केरल का कालीकट बंदरगाह में वास्को डी गामा आया था और यहीं से भारत से मसाला का निर्यात करता था केरल का कालीकट बंदरगाह। कालीकट नामक जगह पर है मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में। नेक्स्ट है कासरगोड नारियल सुपारी अनुसंधान संस्थान। केरल में नारियल सबसे ज्यादा होता है तो वहां पर है नारियल सुपारी अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। असम के गुवाहाटी में है, असम का गुवाहाटी में है राष्ट्रीय स्वर अनुसंधान संस्थान। ये हो गया हमारा दोस्तों असम। असम में है गुवाहाटी में राष्ट्रीय स्वर अनुसंधान संस्थान। और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट कामेंग याक अनुसंधान संस्थान, याक अनुसंधान संस्थान अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है हमारा कलकत्ता में है जूट अनुसंधान संस्थान। यहीं पर है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में जूट अनुसंधान संस्थान। और बैरकपुर में है अंतरजलीय या अंतर्भूमि जलीय जीव अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब तेलंगाना में आते हैं। तेलंगाना में है हैदराबाद मांस अनुसंधान संस्थान पोल्ट्री फार्म अनुसंधान संस्थान। तेलंगाना में मांस और पोल्ट्री अनुसंधान संस्थान है। ये हो गया हमारा तेलंगाना। और महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में है कपास अनुसंधान संस्थान। ये दोस्तों हमारा महाराष्ट्र है, इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर और रसदार फल अनुसंधान संस्थान नागपुर और खट्टे फल अनुसंधान संस्थान नागपुर। नागपुर में रसदार फल, खट्टा फल और कपास अनुसंधान संस्थान है।
और महाराष्ट्र के पुणे में है अदरक लहसुन प्याज अनुसंधान संस्थान और अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे में है। अदरक लहसुन प्याज और अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे। और सोलापुर का डीजे फेमस है, तो सोलापुर में है अनार अनुसंधान संस्थान। सोलापुर से मंगाया है डीजे, तो यहाँ से अनार भी आता है, अनार भी आप मंगा सकते हैं, सिर्फ डीजे नहीं मंगा सकते। सोलापुर का अनार अनुसंधान संस्थान। और मुंबई में है मछली अनुसंधान संस्थान, भारतीय मत्स्य शिक्षण संस्थान भी मुंबई में है, मछली अनुसंधान संस्थान मुंबई। तो ये था दोस्तों हमारा प्रमुख अनुसंधान संस्थान। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।